नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनिन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसकी स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा मजेदार हैं। जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहां मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले अ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के पक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहां मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले अ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मजेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वह काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं सेल्वन की बारे में। सेल्वन यह फिल्म काफी हिट साबित लीड रोल में जो आपको एक्टर वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं की बारे में। फिल्म काफी हिट हुई थी। इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसकी स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हैं वो काफी ज्यादा मजेदार हैं। जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसकी कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हैं वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अपेक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में फिल्म काफी हिट हुई थी। इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जब मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में फिल्म काफी हिट हुई थी। इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं की बारे में। फिल्म काफी हिट हुई थी। इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर हुई है वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अपेक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहां मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके स्टार कास्ट के बारे में लीड इन रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में यह फिल्म काफी हिट हुई थी। इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनिन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीसों पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसकी स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के पक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहां मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले न, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसकी स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मजेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के पक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज़ की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं बारे में। फिल्म काफी हिट हुई थी। इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अपेक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्टे वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा 2400 सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मजेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अपेक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज़ की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई है वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अच्छा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जब मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी दो के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर वो काफी ज्यादा मजेदार हैं जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेल्वन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मजेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वह काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं की बारे में। फिल्म काफी हिट साबित लीड रोल में जो आपको एक्टर वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अच्छा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है Osionfish. बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज़ की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीड इन रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अपेक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनिन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसकी स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा मजेदार हैं। जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेल्वन के बारे में पोनीन सेल्वन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हैं वह काफी ज्यादा मजेदार हैं जी हां आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अच्छा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा 2400 सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं की बारे में। फिल्म काफी हिट हुई थी। इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मजेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस है वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूँ उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मजेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेल्वन के बारे में पोनीन सेल्वन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस ली वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हां आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के अपेक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हुई वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनीन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा २४०० सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके स्टार कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले आ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस वो काफी ज्यादा मजेदार है जी हाँ आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूवी की सीरीज काफ़ी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार भी दे रहे हैं तो ऐसे में आज जिस मूवी की रिव्यू में करने वाला हूं उसका नाम ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ मैं बात करने वाला हूँ पोनीन सेलवन जी हाँ पोनिन सेलवन यह तमिल भाषा की फिल्म है यानी कि जिसका हिंदी में नाम होता है पोनी का बेटा चौबीस सौ पृष्ठ का कल्कि कृष्ण कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित बीसवीं सदी का एक प्रसिद्ध तमिल ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका पांच संस्करण में लिखा गया है बात करेंगे इस मूवी की कमाई के बारे में बात करेंगे इस मूवी की लागत के बारे में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बारे में मूवी कैसी है कब बनी है कब रिलीज की गई थी और कितनी कमाई हुई थी इन सभी के बारे में इसके कास्ट के बारे में लीडिंग रोल में करने वाले न, उ, कलाकारों के बारे में तो दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बात करने वाले हैं पोनीन सेलवन के बारे में पोनीन सेलवन यह फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी इसके लीड रोल में जो आपको एक्ट्रेस हैं वो काफी ज्यादा मजेदार हैं जी हां आपको बता दें कि यह एक राजा महाराजा के द्वारा युद्ध में किस तरह से बचा जाता था किस तरीके से उन लोगों को लड़ने के लिए एकत्रित किया जाता था किस तरीके से लोगों के बीच एक अलग ही भूमिकाओं को निभाया जाता था इसके बारे में यह फिल्म दिखने वाली है दोस्तों यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पहले की फिल्मों के कक्षा यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी कई तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है